आज की रेसिपी रेलवे कटलेट्स की है। ये एक ऐसा कटलेट्स है जो पूरे इंडियन रेलवे में अवेलेबल है। जो ट्रेन में सफर किए हैं उनको पता होगा कि सुबह के ब्रेकफास्ट में ट्रेन में मिलने वाली ये मशहूर वेजिटेबल कटलेट्स के बारे में, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये वेज कटलेट खाने में। बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं ये कटलेट्स। इन कटलेट्स को किस तरह से प्रिपेयर किया है आइए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रूपा इन द किचन में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले एक पैन को गैस पर रख के फ्लेम को हाई पे कर देना है। अब पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। तेल के गर्म होने पर डालेंगे 1 चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच हींग। हींग के डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए बीन्स को। बीन्स के डालने के बाद अच्छे से 2 से 3 मिनट तक बीन्स को हम भुनेंगे। बीन्स जो है बाकी सब्जियों से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, तो इसलिए हम बीन्स को सबसे पहले डालकर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम डालेंगे ग्रेटेड कैरेट। 2 गाजर है यहाँ पर। गाजर को अच्छे से धो के पील करके ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लिया है। अब गाजर को भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बीन्स के साथ भुनेंगे। आज की रेसिपी में इस्तेमाल की हुई सारे वेजिटेबल्स और मसालों का सही माप हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप चेक कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, गाजर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे ग्रेटेड बीटरूट या चुकंदर। 2 मीडियम साइज़ के चुकंदर को अच्छे से धो के साफ करके ग्रेटर के हेल्प से ग्रेट करके लिया है मैंने। इसे भी 2 मिनट तक पका लेंगे। इस टाइम पर गैस का फ्लेम हाई पे रहेगा। ध्यान रखिए सब्जियों को अपने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। अब हम सब्जियों में तीखापन लाने के लिए डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च। 4 से 5 हरी मिर्च है यहाँ पर। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च स्किप कर सकते हैं या कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डालेंगे हरे मटर के दाने। 150 ग्राम मटर है यहाँ पर। इन सब्जियों को 1 से 2 मिनट तक और पका लेना है हमें। तो देखिए सब्जियाँ कुक हो गई है, अब मसाले मिलाते हैं। तो 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग, 1.5 चम्मच डालेंगे चाट मसाला। बस अब सारे मसालों के साथ 1 से 2 मिनट तक सब्जियों को बहुत अच्छे से पका लेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आप 4-5 उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलुओं को भी हम ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इन आलुओं को हाथों से मैश करके डाल सकते हैं, मैशर से भी मैश कर सकते हैं, बट ग्रेटर से ग्रेट करने से ये इवन रहते हैं और कोई आलू का छोटा बड़ा टुकड़ा नहीं रहता है। तो ग्रेटेड आलू को भी सब्जी के साथ 2 मिनट तक भुनेंगे और इसी 2 मिनट में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 नींबू का जूस और कटे हुए हरा धनिया। एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और मिक्सर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होने वाले इन कटलेट्स को बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, ऑफिस के लंच बॉक्स में भी लेकर जा सकते हैं, शाम के चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, मिक्सर को एक बॉल में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हमारा कटलेट्स का जो मिश्रण है ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। 3 से 4 ब्रेड के स्लाइस को मिक्सी में पीसकर ये ब्रेड क्रम्स हमने रेडी किया है। पहले 1/2 ब्रेड क्रम्स डालेंगे, बाकी ज़रूरत पड़ने पर डालेंगे और 3 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर के। अब हमें कटलेट्स के मिश्रण के साथ ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाकी बचा ब्रेड क्रम्ब भी हम डाल देते हैं एक अच्छा बाइंडिंग के लिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं एक लंप फ्री मिक्सर हमें रेडी कर लेना है। एक बार हमें मिक्सर बना लेना है और उसके बाद हमें साफ हाथों से कटलेट्स बनाने के लिए मिक्सर में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर दोनों हाथों से पहले एक गोल शेप देना है, गोल एक आकार देना है और उसके बाद आपको इसी गोल शेप को एक ड्रॉपलेट्स का आकार देना है। हाथों से थपथपाते हुए एक ट्रायंगल वाला शेप जैसे देना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो कटलेट्स बना लिए हैं, अब एक स्लरी तैयार कर लेते हैं कटलेट्स को डिप करने के लिए। तो इसके लिए हमें एक बाउल लेना है। बाउल में डालेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 4 चम्मच हम लेंगे मैदा के। 1/2 चम्मच हम डालेंगे नमक और चम्मच के साथ नमक को मिक्स कर लेंगे। अब मैदा और कॉर्नफ्लोर के साथ पानी डाल के एक स्लरी तैयार कर लेंगे। स्लरी हमारा बन के रेडी हो गया है, अब इसे एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पर एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लिया है,
एक कटलेट लेंगे, स्लरी में डालेंगे एक फॉक के साथ। कटलेट्स को डिप करेंगे स्लरी में और एक्सेस स्लरी को आपको ड्रिप होने देना है, निकाल देना है और तुरंत कटलेट को ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल देना है। ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करना है कटलेट को। ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद आपको बहुत अच्छे से चारों तरफ ब्रेड क्रम्स लगाना है। इसी प्रक्रिया को हमने एक और बार रिपीट करना है, यानी कि इसी प्रक्रिया को हमने टू टाइम्स करना है। एक बार आपने कटलेट्स इसी तरीके से कोट कर लिया है तो आप इन्हें डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इन्हें रख के खाना चाहते हैं तो एयरटाइट कंटेनर पे भर के डीप फ्रिज में रख दीजिए, जब मन हो निकाल के फ्राई कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो आप देख सकते हैं कटलेट्स हमारे बन के रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए एक कढ़ाई लिया है और उसमें कुकिंग ऑयल डाल के ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। आपको ध्यान इस बात का रखना है ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लो टू मीडियम हीट में ऑयल को गर्म कर लीजिए और धीरे धीरे कटलेट्स को इस ऑयल के अंदर डालना है। ध्यान रखना है बहुत सारे कटलेट्स को एक साथ आपको नहीं डालना है, 3-4 कटलेट्स मैक्सिमम आप डालिए। और देख सकते हैं गोल्डन कलर के कटलेट्स हमारे फ्राई क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और निकाल के एक टिश्यू पेपर में रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सब निकल जाए। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं।